हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा है सेकंड लेक्चर लेजर का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेजर का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, बस कुछ बातें रह गई, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको कोई बड़ा क्वेश्चन करा के नहीं दिखाऊंगा, बस जो नई चीज है वो बता दूंगा, क्योंकि लेजर में आपको बनाना है। पहले आपको जनरल पास करना है, फिर लेजर बनाना है, फिर कार्डनेस बनाना है। और फर्स्ट लेक्चर मैंने वो सारा कुछ आपको बता दिया। जनरल मैंने आपको पहले आराम से बेसिकली सिखा रखा है, और लेजर के लिए मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही, मतलब पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो अगर कोई पहली बार आया है इस वीडियो पे, तो पहले आप लेक्चर वन देखो, तभी इस पे बात बनेगी। लेक्चर वन देखिए, मेरा लेक्चर टू इस काम करें। आज हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्री की, कि ओपनिंग एंट्री को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ओपनिंग एंट्री को कवर नहीं किया था। बाकी कंबाउंड एंट्री देख ली थी, बेसिक एंट्रीज देख ली थी। तो अगर ओपनिंग एंट्री आ जाता है तो हाउ टू डिस्क्लोज द ओपनिंग एंट्री इन द लेजर। ओपनिंग एंट्री का तो आप जानते हो, बट ओपनिंग एंट्री को लेजर में कैसे दिखाएंगे वो नहीं जानते आप, तो उसकी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी ओपनिंग एंट्री पास करूंगा और फिर उसको लेजर में दिखाऊंगा। ओपनिंग एंट्री आपको याद होगी, क्या होती है ओपनिंग एंट्री बताओ, बोलो भाई, कमेंट तो कर दो फटाफट। कर दिया, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, पहले कर देता हूँ। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब हमारे साल के बिगनिंग पे कोई बैलेंस होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज या कैपिटल, तो हम उसकी एक एंट्री पास करते हैं। आपको याद होगा एंट्री हमने मैंने बताई थी आपको चैप्टर 8 में, कि जितने भी एसेट्स होंगे डेबिट हो जाएंगे टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, यानी एंट्री थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो उसी ओपनिंग एंट्री को हम लेजर में आज देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मैं एग्जाम्पल फॉर ओपनिंग एंट्री लेता हूँ, ठीक है। एक ओपनिंग एंट्री पास कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें मैं एक ओपनिंग एंट्री पास करूंगा और फिर मैं उसको लेजर बना के दिखाऊंगा आपको। सपोज करो ओपनिंग एंट्री हमारी, फॉर्मेट आप जानते ही हो, ओपनिंग एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट, मतलब मान लो कैश अकाउंट डेबिट है 1,00,000, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मान लो 2,00,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट मान लो 1,00,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट मान लो 1,00,000। टू क्रेडिटर मान लो 50,000, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट मान लो 1,50,000। और आपको याद होगा जो बचता था बैलेंस, या तो दिया होगा नहीं दिया तो कैपिटल निकलता था, तो मान लो कैपिटल है। और ये कितना है भाई, तो देख लेते डेबिट कितना है, 2,3,4,5,00,000। 5 में से 2,00,000 घटाओ, 3,00,000 रुपए कैपिटल आ गया, बैलेंस निकल गया। बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, ये देखो हमने ओपनिंग एंट्री पास कर दी। ओपनिंग एंट्री होती है जितने भी एसेट्स होते हैं सब डेबिट हो जाते हैं टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं, इसका कॉल है कैलकुलेटर। तो ओपनिंग एंट्री क्या था, तो जितने भी एसेट्स है वो सारे डेबिट टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल। तो सारे एसेट्स हमने लिए, एग्जांपल फॉर मैंने लिया है, तो हमने सारे एसेट डेबिट में लिख दिया, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल लिख दिया। अब इस ओपनिंग एंट्री से हम लेजर बनाएंगे, ये आपने पढ़ा है। लेजर की बात करते हैं, तो देखो इसमें कितने नाम दिख रहा है आपको, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी नाम दिखे एक एक करके अकाउंट डालो। पहला है कैश, तो मैं लेजर बना रहा हूं, लेजर का फॉर्मेट आप जानते हो। तो पहला अकाउंट हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, फॉर्मेट आप जानते हो, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, ये फॉर्मेट था। फॉर्मेट नहीं लिख रहा मैं आपको, बताइए ऊपर क्या लिखते हैं। दूसरे का नाम है बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, तो दूसरा अकाउंट हम बना लेते हैं बिल्डिंग का अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट क्या ऊपर उसके अंदर कॉलम में लिखने की जरूरत है, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, चलो एक मैं लिख ही देता हूँ ना, आपको याद आ जाएगा। इसमें हम यहाँ लिखते हैं डेट, तो पतला कर लेते हैं, क्या लिखते हैं भाई साहब, डेट लिखते हैं यहाँ पे। इसमें आता है डेट, इसमें पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। और देखो दूसरा अकाउंट जो आपका है, दूसरा बन गया बिल्डिंग, तीसरा क्या नाम है, फर्नीचर से प्लांट एंड मशीनरी, तो तीसरा बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, फर्नीचर बन गया। चौथा था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो हमने बना लिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्या नाम है भाई। तो उसके बाद क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग और कैपिटल, तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का नाम भी हो सकता है राधा, मोहन, सीता, तो नाम से बनता, ठीक है ना।
डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग क्या था, नाम क्या था उसका, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और लास्ट वन इज कैपिटल। देखो जितने भी पहली एंट्री के अंदर थे हमने सबका अकाउंट बना लिया है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब बस हमें इन्हें भेजना, ध्यान समझना बात को, कैसे कैसे आपको भेजना है, ओपनिंग एंट्री को कैसे भेजेंगे, बिल्कुल नया है ओपनिंग एंट्री भेजना। तो एंट्री में देखो कैश है पहला, और कैश अकाउंट डेबिट है 1,00,000 रुपए, कैश डेबिट है 1,00,000, तो कैश अकाउंट दे आते हैं, कैश अकाउंट का देखो ये है डेबिट, तो डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ध्यान रखना, बाकी एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट कि डेबिट के में क्रेडिट करना, क्रेडिट में डेबिट करना लिखते, जो लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन अगर ओपनिंग एंट्री होगा तो उसको हम दिखाते हैं बैलेंस बीडी के नाम से, तो जिसका जिसका बैलेंस है सब में बैलेंस बीडी से आ जाएगा, जैसे आपका कैश का बैलेंस था डेबिट में 1,00,000, तो डेबिट में आ गया 1,00,000 रुपए। ऐसे अगर एंट्री में आप दूसरा देखो, तो दूसरा आपका बिल्डिंग, और बिल्डिंग का बैलेंस है 2,00,000, वो भी डेबिट में है, तो बिल्डिंग अकाउंट आपने बना रखा, बिल्डिंग के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2,00,000, ओपनिंग की डेट डालना 2,00,000 रुपए का बैलेंस आ गया। क्लियर है बात, समझ गए आप कैसे दिखाना है। अगला फर्नीचर, फर्नीचर 1,00,000 रुपए देखो डेबिट में, तो फर्नीचर के भी डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए। क्लियर सारा ना, समझ गए बात को। अगला देखो क्या नाम लिखा है, अगला प्लांट एंड मशीनरी, इसका बैलेंस भी 1,00,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी के भी डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,00,000। अब थोड़ा पीछे बढ़ते हैं, अब देखो जरा आप बहुत ज्यादा पीछे बढ़ गए, क्रेडिटर है, क्रेडिटर देखो 50,000 है बट क्रेडिट में है 50,000, तो क्रेडिट में जाएगा इसका, तो क्रेडिट साइड वाली होती है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, लिखना बैलेंस बीडी के नाम से ही है। फिर आउटस्टैंडिंग का भी क्रेडिट में था, बाय बैलेंस बीडी कितना था 1,50,000 रुपए, और कैपिटल का भी आपको याद होगा तो क्रेडिट में ही था बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी कितना था 3,00,000 रुपए। तो डेट्स कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री यही होती है, जितने भी बैलेंस होते हैं ओपनिंग एंट्री में क्या करना आपको, उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखाना होता है। एसेट्स वालों का बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड में, अगर कोई डेबिट पे होता है तो बैलेंस बीडी, और जो क्रेडिट साइड वाले होगा क्रेडिट में दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इतना ही है बैलेंस बीडी वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर बात, एक बार कंपाउंड एंट्री बता दो, कुछ बच्चों को डाउट थे कि सर कंपाउंड एंट्री को डिस्कस कर लेते, तो कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया भाई साहब, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जब मोर देन वन अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, तो जैसे मैं एग्जांपल फॉर डिस्काउंट वाली एंट्री लेता हूं, सपोज कोई एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मान लो राम, 15,000 है ये, और 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, टोटल 16,000 रुपए राम में, ठीक है, तो ये आपकी एंट्री है। ठीक है, एंट्री में देखो कितने नाम दिख रहे हैं आपको, एंट्री में तीन नाम दिख रहे हैं, कैश, डिस्काउंट और राम, तो आप तीन अकाउंट बना लोगे, एक तो कैश का अकाउंट, ध्यान से समझ लेना बात को, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, एक डिस्काउंट का अमाउंट, और एक राम का अकाउंट, ये हमने तीनों अकाउंट बना लिए। देखो भेजना सीखेंगे तो तसल्ली से देखना, जिनके डाउट्स थे, जिनके डाउट नहीं थे मैंने लास्ट क्लास में ऐसे डिस्कस कर दिया था, जिनके डाउट से देख लो भाई, गलती नहीं हो एग्जाम में, अभी तुम गलत कर लो एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट है, कितना डेबिट है 15,000 का, 15,000 डेबिट है कैश, तो कैश के डेबिट में 15,000 ही आएगा, और नाम हमने पढ़ा है क्रेडिट वाले का था, तो राम का नाम आएगा, बट ये ध्यान रखना कि राम का नाम लिखो तो 16,000 लिखो, यार कैश कितना डेबिट है, तो कैश आपका सिर्फ 15,000 ही डेबिट है, तो कैश के डेबिट में 15,000 ही आएगा, देखो कैश के डेबिट में 15,000 ही आया, नाम क्रेडिट वाले का। फिर ऐसे देखो डिस्काउंट आपका 1,000 रुपए डेबिट है, तो डिस्काउंट के डेबिट में 1,000 रुपए ही आएगा, और नाम क्रेडिट वाले का यानी टू राम। तो कैश अकाउंट डेबिट था 15,000, कैश के डेबिट में हमने लिख दिया 15,000, नाम क्रेडिट वाले का यानी राम का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट था 1,000 रुपए, तो डिस्काउंट के डेबिट में आ गया 1,000 रुपए, और नाम क्रेडिट वाले का यानी राम का। अब राम अकाउंट क्रेडिट है, तो राम के क्रेडिट मान चाहिए लेकिन 16,000, बट दिक्कत है कि डेबिट वाले का नाम लिखते हैं, तो डेबिट में दो चीजें, तो भाई साहब दोनों का नाम लिख दो, बाय कैश बाय डिस्काउंट, कैश है 15,000, डिस्काउंट 1,000, देखो हो गया 16,000 रुपए। तो ऐसे आपको कंबाइंड मतलब कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करनी है। क्लियर बात, तो बेसिक एंट्रीज आप जानते हो, बेसिक कंपाउंड और ओपनिंग, तीन तरह की एंट्री होती है जिसको आप लेजर में पोस्ट करना होगा। जनरल आप बहुत अच्छे जानते हो, ध्यान रखना बिना जनरल के लेजर भी नहीं बनेगा, आपको जनरल पहले आना चाहिए, जनरल आएगा तभी लेजर कर पाओगे, क्यों,
बिना रिकॉर्डिंग के कहां से करोगे आप क्लासिफिकेशंस? तो आई यू हैव टू लर्न अबाउट द लर्निंग, मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको जनरल पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह काम आएगा। आगे भी आप जितने चैप्टर पढ़ोगे, बहुत सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं तो घूम फिर के जनरल वाला कॉन्सेप्ट घुस ही जाता है। तो जिन बच्चों ने जनरल सही से नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ लें। हमारे 6 लेक्चर है जनरल के, जिसको आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 60-70-80% 90% कवर अप हो जाएगा एंट्री जा रख लेते हो तो। बाकी और भी डीप कॉन्सेप्ट और भी है बहुत सारे, धीरे धीरे जाने, क्योंकि एक दिन अगर मैं आपको ज्यादा बता दूं तो आपको समझ नहीं आएंगी चीजें और घुसेगा कम दिमाग में और लगेगा कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है। तो डेली जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।